नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के दौर में भले ही शहरीकरण की आड़ में हम गांव और पंचायतों के महत्व और वजूद को भूलते जा रहे हैं, मगर सरकार द्वारा गांव व पंचायतों को जिंदा रखने के लिए एक ओर कई विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, सुविधाएं बहाल की जा रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है। अपने राज्य बिहार में चंद दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। भले ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, मगर इस बीच बिहार की पंचायतों ने कमाल कर दिया है और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन भूमिका निभाते हुए राज्य को गर्व करने का मौका दिया है। आपको बता दें कि हर वर्ष पंचायती व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। इस साल भी भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से 1 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई और इस घोषणा के तहत बिहार के 7 ग्राम पंचायतों, 1 जिला परिषद और 4 पंचायत समितियों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। बताते चले कि ये पुरस्कार 24 अप्रैल को दिए जाएंगे। इनमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के जिला परिषद को भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में जगह मिली है। इतना ही नहीं, नालंदा और गया जिले की पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत इस रेस में सबसे आगे हैं। गया की 2 पंचायत समितियों इमामगंज और गया सदर को और रोहतास के अकोडी गोला औरंगाबाद की कुटुम्बा पंचायत समिति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिले हैं। तो वहीं ग्राम पंचायतों की बात करें तो नालंदा की सबैत, दरभंगा की असराहा, समस्तीपुर की मोहनपुर और गया की औरा ग्राम पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिले हैं। यहां आपको यह भी बताते चले कि पुरस्कार पाने वाले जिला परिषद को 50 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ पंचायत समितियों को 25 लाख रुपए की राशि मिलती है, तो वहीं ग्राम पंचायत को 8 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार के तौर पर दी जाती है। आने वाले 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और इस दिन ही बिहार के इन पंचायतों को सम्मानित किया जाना है। तो चलिए जानते हैं किन पंचायतों को किस काम के लिए मिलेगा पुरस्कार। सीतामढ़ी जिले के ग्राम बघारी को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह पुरस्कार ऐसे ग्राम पंचायतों को दिया जाता है जो ग्राम सभाओं के माध्यम से गाँव के सामाजिक और आर्थिक विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। रोहतास जिले के ग्राम बिसैनी कला को पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह अवार्ड वैसे पंचायतों को मिलता है जो गांव के हर वार्ड में बैठक कर ग्रामीण की समस्याओं और विकास के कामों को सामने रखकर प्लान बनाते हैं। यहां लोगों की समस्याओं के अनुसार ही उन्हें दूर करने के लिए प्लान तैयार किए जाते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड नालंदा के कोसियावा गांव को मिलने जा रहा है। इस गांव को चाइल्ड फ्रेंडली माना गया है क्योंकि यहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई, मिड डे मील, खेल का मैदान, टीकाकरण, सेहत, साफ सफाई का काम आदि उत्कृष्ट ढंग से किया गया है। यहां आपको ये भी बता दें कि प्रत्येक राज्य से एक ही पंचायत को बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुरस्कार के लिए चुना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हर साल सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए तीनों स्तर के पंचायतों को दिया जाता है। इस बार बिहार से जिला परिषद स्तर में नालंदा को यह अवार्ड मिला है। पंचायत समिति के स्तर पर गया सदर, गया के इमामगंज, रोहतास के अकोडी गोला और औरंगाबाद के कुटुम्बा गांव को मिला है, तो वहीं ग्राम पंचायत के स्तर पर यह पुरस्कार नालंदा के सबैत, दरभंगा जिले के असराहा, समस्तीपुर जिले के मोहनपुर और गया जिले के औरा गांव को मिलने वाली है। तो ये थी इस साल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए चुने गए बिहार के पंचायतों की पूरी लिस्ट। ऐसे ही बिहार से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।